हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल आर्यावर्त स्टडी। आज हम वर्गमूल और घनमूल की इस सीरीज में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, 9201 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें कि उनका योगफल जो आए वो पूर्ण वर्ग बन जाए, है ना। मतलब जो 9201 है ये अभी वर्ग इसका पूर्ण वर्ग में नहीं है। अब इसमें हमको ऐसी संख्या हमको ज्ञात करनी है जिसको हम जोड़ के इसको पूर्ण वर्ग बना दें, है ना। तो हम इसका एक क्या करते हैं, हिसाब लगाते हैं कि 9201 हमको किस संख्या का वर्ग है, है ना। मतलब किस संख्या का, इसके आसपास संख्या जो आएगी वो किस संख्या का वर्ग होगा। हम सीधा सीधे इसमें कर लें, 9201 है मतलब ये 10,000 के करीब है, और 10,000 जो है वो किसका वर्ग होता है, 100 गुणित 100 करेंगे तो हमको 10,000 प्राप्त हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब हम 90 का करते हैं ना, 90 गुणित 90 तो ये हमको प्राप्त क्या होगा, 9×81, ये 8100 हो रहा है, तो हमारे पास है 9200, मतलब इसके बीच में आएगा, है ना, 80 और 10 के 100 के बीच में आएगा। तो हम करते हैं किसका, अभी हमने 90 का किया तो मतलब 90 और 100 के बीच में, तो हम 95 का निकाल के देखते हैं। तो 95 का निकालते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, 5×25 हाँ सलाई 2, 5×45 और 2×47, ये आ गया। अब 9 का गुणा करेंगे तो 5×45 तो यहाँ आ जाएगा 5 हाँ सलाई 4 और 9×81 और 4×85, ये अब हम इसको जोड़ देंगे तो 5×5 × 5×7 कितना हो जाएगा, 5×7 हो जाएगा 12, 2 हाँ सलाई 1 और यहां जो 4 और 5 हो जाएगा 9 और हमारे पास अभी हाँ सलाई बची थी 1, तो 5×9 और 1 हो जाएगा 10, 10×0 और हाँ सलाई फिर 1 बचेगी 8 और 1 9। मतलब हमें क्या प्राप्त हो गया, 95 को 95 से गुणा करने में 9225, मतलब हम काफी करीब हैं। अब हम कर लेते हैं 96×96 का, है ना, तो 96×96 इसका करेंगे तो 6×6 36, 6 हाँ सलाई 3, 6×4 54, 54 और 3 हो जाएगा 57, तो 576 ये आया। अब 9×6 होता है 56, है ना, 54, तो 54×4, अब हम यहाँ क्या कर देंगे, कटावट लगा देंगे ना, 9×6 54 4 हाँ सलाई 5 और 9×81 5 86, तो ये आ जाएगा 86। अब हम इसको जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 6 और 7 और 4 हो जाएगा 11, 11×1 हाँ सलाई 1 और 5 और 6 हो जाएगा 11, 11×1 12 और 1 बचेगा हाँ सलाई तो हो जाएगा 9। मतलब 9216 आया। मतलब हमारे पास क्या आ गया, 95 का हमने वर्ग निकाला तो हमको मिला 9225 और 96 का निकाला तो 9216। मतलब हमको जोड़ना है 216 करना है हमको, किसमें, इसमें संख्या में जोड़कर हमको 216 लाना है करीब। क्यों लाना है 216, क्योंकि हमको संख्या को जोड़ना है। तो अगर हम 9225 के अगर हम करीब ले जाते तो घटाना पड़ेगा, लेकिन 9216 मतलब आगे बढ़ाना है तो जोड़ देंगे हम संख्या। तो हमको क्या है जो लाना है, 96 का वर्ग बनाना है इस संख्या को, 9201 को ऐसी संख्या जोड़ के 96 का वर्ग बनाना है। ठीक है, इतना हमने समझ लिया। अब हम करते क्या है कि 9201 को 9216 में घटा देते हैं, 9216 में 9201 को घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यहां 6 में से 1 गया 5 और 1 में से 0 गया तो 1 और यहां 0 और 0, मतलब 15 ऐसी संख्या है हमारे पास जिसको हम अगर 9201 में जोड़ दें तो हमको प्राप्त हो जाएगा 9216, जो कि 96 का क्या है, वर्ग, क्या है, वर्ग है 96 का, जो कि एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से अपन को करना है। अब हम देख लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, 3050 में कौन सी छोटी सी छोटी संख्या घटा दें कि उनका अंतर जो है वो पूर्ण वर्ग बन जाए, है ना। अब इसमें हमको उसके अपोजिट करना, मीन्स हमको करना उसी तरीके से है, लेकिन हमको उसमें जोड़ना नहीं है, घटाना है ना, इसमें हमको घटाना है। तो हम क्या करते हैं, इससे आसपास संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो हम अगर 25×25 करते हैं तो कितना आता है हमारे पास, 625 आता है करीब, है ना। 25×25 करेंगे तो
625 मिलेगा। अब ये बहुत ही कम हो रहा है ना, तो हम डायरेक्ट करते हैं कितना, 50 गुणित 50। तो 50 गुणित 50 करेंगे तो 25 मतलब 2500, काफी करीब है हम 3000 के, है ना। अब हमको 3000 करीब करना है तो हम करते हैं 55, तो 55 गुणित 55 करते हैं तो 25 दो हासिल आई, 25 और 2 27। अब 5 का फिर करते हैं तो 25 मतलब इतना ही आएगा 275, तो हम 275 सीधे लिख देते हैं। अब जोड़ते हैं इसको तो 5 आ जाएगा यहां और 7 और 5 हो जाएगा 12, हासिल आई 1 2 और 7 हो जाएगा 9 और 1 10, 1 बचेगा अपने पास तो 1 और ये हो जाएगा 3, 3025 है ना, 3025 हम बहुत ही ज्यादा करीब पहुंच गए। अगर हम 56 का करते हैं ना, 56 का करते हैं, इससे अब हमको ज्यादा नहीं करना है ना, 3050 से हमको ज्यादा नहीं आना चाहिए क्योंकि हमको संख्या को घटाना है ना कि जोड़ना है। तो हम क्या करते हैं 56 का करके देख लेते हैं कहीं इसके करीब आ रहा है क्या। तो 56 का करेंगे हम अगर तो 6 छिंग 36, हासिल आई 3 56 30 और 3 33, और 5 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5 छिंग 30, हासिल आई 3 और 55 25 और 3 कितना हो जाएगा 28। तो हम ये 28 कर देते हैं। अब इनको हम जोड़ लेते हैं तो जोड़ने में हमारे पास क्या आएगा देख लेते हैं। तो हमारे पास जोड़ने में आएगा यहां आ जाएगा तो 6 को अगर हम जोड़ते हैं तो यहां अगर हम जोड़ते हैं तो 6 आ जाएगा ये, और 3 को 0 से जोड़ेंगे तो 3 और 3 और 8 हो जाएगा 11, 11 की एक हासिला 1 और ये हो जाएगा 2 और 1 3। मतलब ये हो रहा है हमारा 3136 जो कि हमारे 3050 से ज्यादा है। मतलब हमको क्या लेना पड़ेगा 55 गुणित 55, मतलब 55 का वर्ग जो है हमारे 3025 के आस 50 के आसपास 3025 मिल रहा है ना। तो हम क्या लेंगे 3025 है ना। इसमें अगर हम क्या करेंगे, हमको इस संख्या में पूर्ण वर्ग बनाना है, कितना 55 गुणित 55 का पूर्ण वर्ग इसमें घटा कर बनाना है। तो हम क्या करेंगे 3050 में 3025 को घटाते हैं तो हमको कितना मिल जाएगा 25 मिल जाएगा है ना। तो हम क्या करेंगे 25 ऐसी संख्या है हमारी जो कि हमारे 3050 में 25 अगर हम घटा देंगे तो हमको मिलेगा 3025 जो कि किसका वर्ग है 55 का कि 56 का, 55 का है ना, 55 का हमारा पूर्ण वर्ग है। तो यही जो हमारा आंसर आएगा क्या आएगा 25 कि 25 एक ऐसी संख्या है जिसको 3050 में घटाने से हमको क्या मिल जाएगा 55 का पूर्ण वर्ग, यह संख्या बन जाएगी। ठीक, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, 432 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें ताकि उनका गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। अभी हमने योगफल का देखा और घटाने को देखा, अब हम करेंगे गुणा वाला है ना कि हमको किस संख्या से गुणा कर दें कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हमारे पास है क्या 432, इसका हम करते हैं क्या गुणनफल निकालते इसके है ना। तो 2 से करते हैं तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 2 एकम 2 बचेगा 1 तो 2 छिंग 12। अब हम 2 से देते हैं 2 एकम 2 2 अट्ठे 16 और यहां आ जाएगा 1 0। क्यों, क्योंकि हम डायरेक्ट एक संख्या के बाद 2 संख्या में कर रहे हैं गुणा है, भाग कर रहे हैं ना। यहां आ जाएगा 108। अब हम 2 से देंगे 2 पंचे 10 और फिर बचेगा 2 चौके 8। अभी भी 2 से चल जाएगा तो 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। अब क्या होगा 2 से जाएगा, अब नहीं जाएगा, अब 3 से जाएगा, 3 9 27 और यहां भी हम अगर देंगे तो 3 3 9 और यहां देंगे तो हमको आएगा फिर 3 एकम 3। अब हमको इसमें 2 2 के जोड़े बनाने, कितने के वर्ग में 2 2 के जोड़े बनते हैं ना। तो हम यहां 2 2 के जोड़े बनाएंगे तो 2 का एक जोड़ा मिलेगा, 2 का दूसरा जोड़ा मिलेगा, 3 का एक जोड़ा मिलेगा, लेकिन 3 का जो है एक और जोड़ा नहीं बन रहा है। मतलब हमको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 3 का और चाहिए, एक जोड़ा के लिए बनाने के लिए 3 और चाहिए। तो हम क्या करेंगे 3 का गुणा कर देंगे। अब अगर हम इसको इस टाइप से लिख लें कि 2 का जोड़ा बन रहा था मतलब 2 का वर्ग गुणित 2 का एक और जोड़ा बना, जोड़ा बना तो इसका भी वर्ग लिख दिए। अब 3 का एक और जोड़ा बना है तो ये वर्ग कर दिए, लेकिन 3 जो है अकेला है ना, तो इसका भी हमको वर्ग चाहिए तब तो पूर्ण वर्ग बनेगा। तो 3 का हम अगर और गुणा कर दें तो ये 3 का वर्ग बन जाएगा ना।
तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दो गुणे दो हो जाएगा कितना, दो दूनी चार, है ना, दो दूनी, तो हम क्या करते हैं, दो आ गए हमारे पास गुणे दो, और एक तीन आ गया, और एक तीन का हम और गुणा कर देते हैं, है ना, एक जोड़े में से एक तीन का गुणा कर देंगे तो एक जोड़ा और बन जाएगा, तो तीन और आ जाएगा, तो दो दूनी चार, चार ती बारह, और बारह ती वर्ग में चौर, बारह ती छत्तीस, मतलब जो आया हमारा क्या आ जाएगा आंसर, वो आ जाएगा तीन का, है ना, किसका गुणा कर देंगे हम, तीन का, तो हमको छत्तीस जो कि है छह का वर्ग है ना, छह छिंग छत्तीस, तो हमको क्या है आंसर आ जाएगा तीन, अगर हम तीन का इसमें गुणा कर दें तो ये एक पूर्ण संख्या बन जाएगी, तो यही हमारा क्या है आंसर है। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 394 हो और दोनों संख्याओं का योग क्या हो 28 हो, तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करो, है ना। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो हम किस तरीके से इसको कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो दो संख्याएं बोला है, तो दो संख्याएं हम मान लेते हैं, क्या है पहली संख्या क्या है एक्स है और दूसरी संख्या वाई है, यह हम मान लेते हैं। अब करना क्या है कि इसको प्रश्नानुसार हम क्या कर लेते हैं, जमा लेते हैं, कैसे, दो संख्याओं का वर्गों का योग, मतलब x का वर्ग प्लस y का वर्ग बराबर कितना बोला है 394, ये हमने लिख लिया। इसके बाद क्या बोला है, दोनों संख्याओं का योग 28 है, मतलब x प्लस y कितना है 28 है, ये भी हमने लिख लिया। अब इन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, इसी को हम क्या करते हैं यहां अप्लाई, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहां आ जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये आ जाएगा। अब इसमें हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं किसकी, x प्लस वाई ये हमको दी है 28, तो 28 करते हैं, 28 का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी हमको दिया है 394, तो इसकी वैल्यू भी हम पुट कर देते हैं यहाँ, और 2xy हमको निकालना है, है ना, ये हमको दिया ही नहीं, तो हम यहाँ ऐसे लिखते हैं। अब 28 का हम वर्ग करेंगे तो हमको मिलेगा 784। अब अगर 28 का वर्ग निकालना है तो आप हमारी पिछली वीडियो को देख सकते हैं जिसमें हमने आसान तरीका बताया किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए, है ना। तो यहां हम 28 का डायरेक्ट लिख देते हैं, 784 वर्ग होता है ना, और यहां 394 प्लस 2xy ये है, ये हमको आ गया। अब हम क्या करेंगे, 2xy को लिखते हैं एक साइड में और इसका कर देते हैं पक्षांतर 394 का, तो 784 के माइनस में चला जाएगा 394। अब हम घटा देते हैं तो 4 से 4 घटाएंगे तो 0, और 18 8 की माने 18, 18 में से 9 जाएगा तो 9, और यहां हो जाएगा 4, तो 7 में से 4 जाएगा तो कितना होगा 3, 390 आ गया 2xy। अब क्या करते हैं, हम 2 से इसको काट देते हैं, क्यों काट देते हैं, क्योंकि अगर 2 का हम पक्षांतर करेंगे तो इसके भाग में ही जाएगा, तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2 यहां हो जाएगा, बचेगा 1, तो 2 नाम 18 और फिर बचेगा 1, 2 पंचे 10, तो मतलब आ जाएगा xy बराबर 195, मतलब यही हमारा क्या कहलाएगा आंसर, क्यों, क्योंकि x और y क्या है, दो संख्याएं हैं, दोनों का गुणनफल हमने 195 प्राप्त कर लिया और यही हमको फाइंड करना था। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, धन्यवाद।